अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेहत गार्ड चैनल की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप हिम्मत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का टॉपिक ये है कि नौजवान लड़कियों की शर्मगाह से सफेद रंग का पानी क्यों निकलता है। ये पानी बड़ी औरतों की शर्मगाह से भी निकलता है, तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर आप आइंदा भी इस तरह की वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि लड़कियों की शर्मगाह से सफेद रंग का पानी क्यों निकलता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी फहश चीजों को हम देखते हैं। लड़कियां इसको बहुत शौक से आजकल देखती हैं। जो नौजवान लड़कियां होती हैं, जो गैर शादीशुदा होती हैं, वो लड़कियां सोशल मीडिया पर फहश चीजें देखती हैं, जिसकी वजह से उनकी शर्मगाह से सफेद पानी खारिज होता है। सफेद जो पानी खारिज होता है वो तीन तरह का पानी होता है। एक पानी होता है जिसको मजी बोलते हैं, और एक मनी होती है, और एक पानी होता है लिकोरिया का। लिकोरिया का पानी सफेद और थोड़ा सा लेसदार होता है। जो मजी का पानी होता है वो पतला सा होता है, और जो मनी होती है वो गाढ़ी सफेद या हल्की पीले रंग की होती है। तो आजकल की लड़कियां जो शादीशुदा नहीं होती वो सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें देखती हैं। जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं उनके शोहर मुल्क से बाहर होते हैं, तो अपनी शहवत को अपने हाथ से पूरा करती हैं, और इस तरह उनकी मनी खारिज होती है, लेकिन चलते फिरते भी उसके जिस्म से, उसकी शर्मगाह से सफेद रंग का पानी खारिज होता रहता है, जो कि बहुत नुकसानदेह होता है। डॉक्टर्स भी इसको बहुत ज्यादा नुकसानदेह करार देते हैं, क्योंकि ये जब लगातार आपके जिस्म से खारिज होता रहता है तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आपके पट्टे कमजोर हो जाते हैं, और आपको जोड़ों का और पट्टों का दर्द होना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा आपको अपने हाथ से अपनी शहवत हरगिज पूरी नहीं करनी चाहिए। अगर नौजवान लड़कियां हैं तो अगर उनका दिल बहुत ज्यादा करता है तो वो अपने घर वालों को बोलें कि उनकी शादी करवा दें, जायज तरीके के साथ अपने शोहर के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करें, जिससे उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और वो गुनाहगार भी नहीं होंगी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।